दुनिया रूठे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस परम पिता परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण को, लेकिन जब भक्त रूठ जाता है तो मेरा ठाकुर बर्दाश्त नहीं कर पाता, नंगे पाम दौड़ के जाता है, तुझे रूठने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, नंगे पाम दौड़ता है। अब सरकार आप तैयार? कैसे? तुरंत वही भगत को नाम, वही भगत को रूप धरयो और चोर के जोर पहुंच गए। चोर तो गई, चोरे तू हमारी भैंसे चुचुरा ला। अब चोर के तो वैसे हाथ पांव कांपने लगे, रंगे हाथों पकड़ लिया जाए तो भगवान जी खुद वह भैंस की सांकर पकड़ के लेके आए और आके गरम बांध दई और झट बैठ गया कि ऐसे जैसे जे बैठे कहा झट बैठ गए। अब एक जनो गांव को ऐसो ही आदमी जहां वो भगत जी रूस के बैठे गए पहुंचे, अरे यहाँ कहीं को बैठे हो तुम? ए का करे यहाँ न बैठे तो कहाँ बैठे है, वो घर में जाएंगे तो बैठे मिलेगा कौन? बोले वो भगवान हमारी भैंस चुरवा दे और कछु करे हो भी ना। अरे भैंस चुरवा दे, भैंस तो तुम्हारे घर में बंद रही है, घर में बंद रही है, चोरी ना हो भाई। हाँ चोरी भाई, लौट तो आई, तुम ही तो ले आए। हम ले आए? दौड़े दौड़े गए, बोले देखूं तो सही, तो देखिए वहां भैंस बंद रही। फिर पूछी भाई जी भैंस आई कहां थे? अरे बोले क्यों पागल बना रहे हो, भांग भांग तो ना खा ली तुमने, हवालने के पहले तुम ही तो बांधे गए खूंटा थे, और यूं कह रहे हो कहां थे आ गई? झट 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 आंसू बहने लगे उनके, मैं तो लाया नहीं, मेरे रूप में लाने वाला मेरा यही कन्हैया है, मेरा गोविंद है। रोने लगे, और जब भक्त रोता है ना तो भगवान और भी उसके करीब होता है। देखो मेरे भाई बहन, बार बार एक ही बात कहता हूं, तुम जैसे हो ना वैसे भगवान से प्यार करो, जैसे हो। भगवान तुम्हारे दिखावे पे तो तुमसे नहीं मिलने वाला, ये तो पक्की बात। उससे मिलना है तो उस जैसा जैसे हो उसके पास वैसे ही चले जाओ। सेवा के लिए जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, संतों की सेवा, भक्तों की सेवा, धर्म की सेवा, भगवान की सेवा, उतना ही वो हरि के करीब पहुंचता है। धर्म भजस्व सततम तजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णा। भागवत कहते इस बात को, सेवस्व साधु पुरुषान, क्या करो? बोले साधु पुरुषों की सेवा करो। साधु पुरुष कौन है? जिनके माथे पे तिलक हो, गले में कंठी हो, हाथ में माला झोरी, जुबान पे भगवान का नाम हो, कभी किसी का बुरा न करते हो, हमेशा सबका भला करना चाहते हो, चाहे वो जींस पहन के रहता हो, चाहे वो धोती पहन के रहता हो, चाहे वो निर्वस्त्र रहता हो, चाहे वन में रहता हो या घर में रहता हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। बस वो होना चाहिए उसको चाहने वाला। और आप दिल्ली वाले जरा अपना भी दिल लगा ले, दिल्ली वाले तो हैं वैसे अच्छे, बड़े बढ़िया हैं साहब, गंगा गए गंगादास। हरि बोल मेरे प्यारे की जय हो। अगेन, अरे मेरी इंग्लिश की क्यों धज्जियां उड़ा रहे हो तुम लोग? मैं ये कह रहा था, रुको, मेरा मतलब ये है कि मैं आपको एक एडवाइस और दूं, एक सलाह और दूं। वो सलाह ये है जो मैं पहले बोल चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि अपने एक आराध्य के लिए पूरी जिंदगी लगा दो। जैसे पिता नहीं बदला जा सकता, जैसे माँ नहीं बदली जा सकती, जैसे हस्बैंड नहीं बदला जा सकता, वैसे ही अपना आराध्य नहीं बदला जा सकता, अपना गुरु नहीं बदला जा सकता, अपना धर्म नहीं बदला जा सकता।
और नाउ डेज इट इज मॉडर्न टाइम, तो इस समय तो धर्म इनकी तो बातें छोड़ो, आजकल खसम बदल लेते ना, आजकल तलाक क्यों असर हो, तलाक नहीं हो रहे? आप बता दीजिए, हमारे हमारे शास्त्रों में कहीं तलाक शब्द हो तो बता दीजिए, है कहीं? मॉम आई डोंट लाइक हिम, तो बोल केस फाइल कर दो, खत्म, ले। बट दिस इज नॉट माई रिलीजन, दिस इज नॉट माई कल्चर, आई एम बॉर्न इन डिफरेंट कल्चर। हम लोगों को ये चाहिए, ये हम लोगों की परंपरा है, और उस परंपरा का निर्वाहन करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। न पति बदला जा सकता है, न माँ बाप बदले जा सकते हैं, न धर्म बदला जा सकता है, न इष्ट बदला जा सकता है, न गुरु बदला जा सकता है। आज भी मेरे पास में कोई आए सुबह और कुछ कहा गुरु बदलने या ऐसा कुछ, लेकिन एक भक्त तो मेरे पास आया, वो अटूट, वो अपने गुरु के लिए रो रहे थे, और मैं उनका सम्मान करता हूं दिल से। इतना सुनने के कुछ मैं पूरा विवरण नहीं बताऊंगा। एक आए मेरे पास और कहने लगे कि आप भागवत से प्रार्थना करो कि हमारे गुरुजी हम पर कृपा करें। कुछ वजह है जो मैं यहां डिस्क्लोज नहीं कर सकता। इतनी खुशी हुई, इस कलयुग में आज भी ऐसे भक्त हैं कि चाहे कोई कितना भी अनर्गलर हमारे गुरु के बारे में बोल ले, लेकिन हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा टस से मस नहीं होगी। ये है गुरु भक्ति, ये है धर्म के प्रति भक्ति, ये है सच्चा विश्वास। जो साब हवा के साथ बदले वो तो पक्के रहो, मजबूत रहो। भगवान को पाना है, अगर भगवान को पाना है तो, और रही बात हवाओं के साथ चलना है तो तुम्हारी मर्जी।